आइए दोस्तों, तो चलते चलते ही हमारा जो ये सफर है ये चैप्टर नंबर 9 तक आ पहुंचा है। चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके सामने है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज की बेसिकली बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर के लिए जिस फाउंडेशन की हमें रिक्वायरमेंट थी वो फाउंडेशन हमने तैयार किया है 1 से लेके 8 तक। चैप्टर 1 से लेके 8 तक जब हमने पढ़ाई की तो हमने बेसिकली इस फाउंडेशन को डेवलप किया। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो तो जो भी हमारा फ्लोर का लेवल होता है उसके नीचे कुछ काम करना पड़ता है 8-10 फुट, तब जाके आप उसके ऊपर 3 मंजिल, 4, 5, 6 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर पाते हो। बेसिकली ये जो हमारा फाउंडेशन वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम ऊपर की बिल्डिंग खड़ी करें, और हमें ये डर ना हो कि हमारा फाउंडेशन कहीं कमजोर तो नहीं है, कहीं हमारी जो नींव है वो कमजोर तो नहीं है। तो वो हमने नींव तैयार की है 1 से लेके 8वें चैप्टर तक, जिसमें हमने सारे बेसिक रूल्स, टर्मिनोलॉजी, सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा किया। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और आप ये देखेंगे कि जो चैप्टर 11, जो चैप्टर आपका ये 9 है, ये 11th क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर आपने अपना फाउंडेशन क्लियर कर लिया, जो कि हमने किया है, और उसके बाद अगर ये चैप्टर क्लियर कर लिया तो आप देखेंगे कि पूरा 11th का कोर्स जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, और एट लास्ट आप पाएंगे कि इतनी ही बातों को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं रह जाता 11th के अंदर आपके अकाउंट्स में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जर्नल का, जो कि 11th का पूरा आपका बेस को यूज करेगा, और पूरे जीवन में आपकी जितनी भी अकाउंटिंग है वो आप पाएंगे कि इर्द गिर्द घूमती रहेगी किसके, जर्नल एंट्रीज की। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी किसी भी लेवल पर आपसे ही पूछेगा कि इस ट्रांजेक्शन की जर्नल बता सकते हो क्या। अगर आपने जर्नल बता दिया दैट मीन्स कि आप उसके आगे अब आप सब कुछ करने के योग्य हैं। अब किसी स्टूडेंट के मन में अगर ये सवाल है कि सर 1 से लेके 8 चैप्टर जो है वो हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, हमने छोड़ छोड़ के पढ़ा है या अधूरा अधूरा पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहली एडवाइस है कि आप पहले जाके पूरे के पूरे चैप्टर्स को सिक्वेंशली कवर करें। जितनी बातें बोली गई हैं, जितनी बातें लिखवाई गई हैं, जितनी बातें पढ़ी गई हैं, वो सारी बातें आपके संज्ञान में होनी चाहिए। एक बार आपने वो कवर कर लिया उसके बाद ही चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। ऑल दो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो लोग उसको कवर नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए मैं जब ये चैप्टर को हम करेंगे इन डिटेल तो हम मोटे तौर पर उसको डिस्कस कर लेंगे जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, बट वो अलग बात है कि वो एक रिवीजन काइंड ऑफ होगा। बट अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसका आनंद अलग है, उसका अलग ही आपको बेनिफिट दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो यहां से हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर प्रवेश करेंगे। कुछ इसके बेसिक्स, कुछ थियोरिटिकल चीजों को समझेंगे, और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे। एक बार हमारा वो डेवलप हो गया तो उसके बेसिस पे फिर हमारे थियोरिटिकल क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, आपके फिलअप्स वगैरह हो, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन होगा उन सभी को हम अटेम्प्ट करना सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगर यहां तक आप पहुंचे हैं और आपको ये बातें सही से समझ में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि आपके लिए फायदेमंद है, तो नो डाउट आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जो कि आपके लिए भी अच्छा होगा और हमें भी एक तरीके से इनडायरेक्टली मोटिवेशन प्रोवाइड करता है आपके लिए इतनी मेहनत करने की, हमारी इच्छा और जागरूक होती है। चलिए, तो क्या चैप्टर है हमारा? चैप्टर कह रहा है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो थोड़ा सा इसका अगर बेस डेवलप करें हम, तो हम क्या बात करेंगे कि सर ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या है, कि कभी भी कोई ट्रांजेक्शन हुई तो आपने आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, जो भी रूल वूल लगाना था वो सब लगा लिया, बट प्रैक्टिकली आपके बुक्स के अंदर उसकी एंटर होना, मतलब उस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करना प्रैक्टिकली इस लेवल पे शुरू करते हैं, ये आपका फर्स्ट लेवल है। जैसे कि हमने पीछे भी देखा था थ्योरेटिकल पार्ट में कि फर्स्ट लेवल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, जब आप उसको जर्नलाइज करते हो, जर्नल एंट्री पास करते हो, इसके बाद ये घूम के जाता है किसके पास, लेजर प्रिपेयर होने के लिए, वो आपका सेकंड लेवल आएगा, वो भी हम सीखेंगे। इसके बाद ये थर्ड लेवल कहाँ जाता है, ये जनता है ट्रायल बैलेंस के लिए, और उसके बाद उसकी मदद से आपका क्या बन जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। तो पहली बार जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है हमारे अकाउंट्स में, वो किसकी मदद से किया जा रहा है, वो किया जा रहा है जर्नल की मदद से। अब अगर ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग है तो नो डाउट इसकी इंपॉर्टेंस क्यों हाई हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर ये सही रिकॉर्ड हुआ तो आपका लेजर भी सही बनेगा, ट्रायल बैलेंस भी सही बनेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सही बनेंगे। और अगर फर्स्ट टाइम की रिकॉर्डिंग में ही कुछ त्रुटि आ गई, कुछ दिक्कतें हो गई, तो नो डाउट आपके आगे के सीक्वेंस भी सारे के सारे बिगड़ जाएंगे, उतने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं हो पाएगी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। अच्छा जी, जितने रूल्स हैं, जितने टेक्निक्स हैं, वो सब यहीं लगने हैं, अगर यहां उसको लगा दिया तो इसके बाद तो बस बैलेंस ट्रांसफर होने का काम है,
आपने यहां से इसको उठा के लेजर में पोस्ट करना है, लेजर से इसको उठा के ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना है। तो दिस इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग ऑफ अमाउंट। अमाउंट को आपको मोटे मोटे तौर पे ट्रांसफर करना होता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। बट जितने भी आपके टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेबिलिटी है वो सारी की सारी कहाँ पे आती है, वो आती है फर्स्ट स्टेज में, मतलब जर्नल के स्टेज में। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है और इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो क्यों इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह रहे हैं, क्योंकि भैया फर्स्ट टाइम जैसे ही ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि आपने एक फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, तो फर्नीचर खरीदा तो आप क्या करोगे, आपको ये पता अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, बुक्स में इसकी रिकॉर्डिंग तो होनी होनी है। तो आपने जैसे ये फर्नीचर खरीदा कि फर्नीचर सपोज 10,000 रुपए का है और आपने बैंक से इसकी पेमेंट की है, तो फटाफट से आप इसकी क्या करोगे, एंट्री करोगे। एंट्री कहां करोगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसी को हम क्या नाम देते हैं, जर्नल एंट्री का। तो ये पहले साथ ही हो जाएगा, मतलब जैसे ही खरीदेंगे, जैसे ही ट्रांजैक्शन हमारा होगा, वैसे ही ये एंट्री आपको करनी होती है, इसके लिए हम इंतजार नहीं करते। लेकिन जब लेजर बनाना हो तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल डेट वाइज हो, सेम डे हो, जब ट्रांजैक्शन हो तभी लेजर बने, इट इज नॉट नेसेसरी। बट जर्नल एंट्री तभी पास होगी जब आपका ट्रांजैक्शन होगा, इट इज नेसेसरी, क्योंकि आपको ये डेली बेसिस पे करना होता है, क्योंकि एक दिन में आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हो उसके अंदर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का भी एक अहम रोल है इस अध्याय के अंदर। बेसिकली वो क्या रोल है कि आपसे कहा जा रहा है कि भैया जो जर्नल एंट्री पास होगी ना, वो होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसका मतलब क्या होता है कि डेट वाइज आपको रिकॉर्ड करना है। 5th अगस्त की एंट्री जो है वो पहले होगी और 6th ऑफ अगस्त की एंट्री उसके बाद होगी। 4th ऑफ अगस्त की ऑब्वियसली 5th से पहले होगी। तो ऐसा कब हो पाएगा, जब आप डेट वाइज उसकी एंट्री करोगे। 4th की एंट्री कर ली, 5वां तारीख आया, 5वीं एंट्री करी, दिन खत्म हुआ, 5वीं तारीख की आपकी सारी एंट्री खत्म हो जानी चाहिए। 6th में आए, 6th की एंट्री करी, मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हो रही है, आपको जनरल एंट्री उसी दिन परफॉर्म करनी होती है। इसलिए इसको कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होती है जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक। नाउ इसको थोड़ा सा और इसके डीप में चलते हैं इसकी थ्योरी के साथ। तो क्या कह रहा है, द बुक्स इन विच अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऑब्वियस सी बात है, आप जो एंट्री करते हो किससे करते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट से करते हो। सर ये क्या होता है, ये हम पीछे सीख चुके हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा क्या होता है। जैसे कि हमने कुछ भी परचेज किया है तो कैश मेमो है, या उसका टैक्स इनवॉइस है, या कोई चेक की कॉपी है, या चेक लीव्स है, एनी डॉक्यूमेंट जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में काम आता है, आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी करते हैं, और जिसकी मदद से आपने अपने वाउचर्स को प्रिपेयर किया होगा, तो उसी की मदद से आप क्या कर रहे हैं, अपनी एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाउ जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल डे टू डे ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री के प्रिंसिपल को आपको यूज करना है, मतलब कि आपको डेबिट के ट्रांजेक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट के भी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, तब जब वो ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको हम कहते हैं जर्नल। ठीक है सर। नाउ ये चीज हमने एक पीछे पढ़ी थी क्या, कि सर जनरल से काम नहीं चलता कब, जब कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी बड़ी है। ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी होती है तो हम चले जाते हैं किसके पास, हम चले जाते हैं सब्सिडरी बुक्स के पास। अब सर ये क्या होता है, ये आप अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बिजनेस का साइज है जो कि लिमिटेड है, मतलब कि उसके अंदर जो दिन में ट्रांजैक्शन है वो 20-50 होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, हम हर एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस का साइज जो है वो ऐसा है कि बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक दिन में आप हजारों ट्रांजेक्शन करते हो, तो उस केस में सभी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री एज एन वेन पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आपको अकाउंटिंग ने क्या फैसिलिटेट किया, उसने कहा कि आप ऐसा करो, आप सब्सिडरी बुक्स बना लो। अब सर ये सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या है कि जो ट्रांजेक्शन उन्होंने कुछ एक यहाँ पे बुक्स आइडेंटिफाई कर दी, इसमें उन्होंने कहा कि आपके 80% जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ इन्हीं अकाउंट से रिलेटेड होगा। मतलब कुछ एक आपको यहाँ पे बुक्स बता दिए गए जिसमें कहा गया कि अगर आप 100 ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो उसके अंदर से 80% ट्रांजेक्शन जो है वो उन बुक्स से रिलेटेड है, तो उसको अलग कर दो। उसके अलावा जो बच गया वो कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 20%। तो उस 20% के लिए आप क्या कर लेना, आप उसके लिए जर्नल एंट्री पास कर लेना। अब तो आसान है, बिल्कुल सर। मतलब कि अगर आपसे कहा गया कि आप अगर 100 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो जर्नल में, तो उस केस में आपसे कहा गया है कि आप 80 ट्रांजेक्शंस को भूल जाओ, इसको हम डाल देंगे कहां पे, स्पेशल बुक्स के अंदर, सब्सिडरी बुक्स के अंदर। आप सिर्फ 20 को रिकॉर्ड कर सकते हो क्या, तो हाँ 20 रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो 20 के हम जर्नल एंट्री पास करेंगे और 80 को कहां लेके चले जाएंगे,
बुक्स के अंदर, स्पेशल बुक्स के अंदर। अब ये कब होता है, जब हमारी जो बिजनेस का साइज है वो बहुत बड़ा है, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमारे डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा होते हैं, तब उस केस में प्रैक्टिकली पाया गया कि जर्नल एंट्री वन बाय वन पास करना इज नॉट फिजिबल। सो इन दैट केस वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर हम मैक्सिमम ट्रांजेक्शन को कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा भी जो बच गए, जो उन बुक्स में कवर नहीं होंगे, जो इन बुक्स में कवर नहीं होंगे, और वो जो ट्रांजेक्शन बच गए उसको हम लेके कहां जाते हैं, अपने जर्नल एंट्री के अंदर। ठीक है सर, चलिए। तो व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल वन, देन इट इज पॉसिबल टू एंटर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। बट व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज, इट बिकम्स नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन जर्नल। उस केस में हम नहीं कर सकते हैं। एज सच द जर्नल इज सब डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ सब जर्नल्स नोन एज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इच सब्सिडरी, इच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन सेपरेट सब्सिडरी बुक्स। अब इसका मतलब क्या है कि सर, जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उसको हम जर्नल कहते हैं, बिल्कुल सर। क्या स्पेशल बुक्स को भी हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही कहते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट स्पेशल बुक्स पे भी तो अप्लाई हो रहा है। मतलब क्या है कि जर्नल एंट्री को क्यों आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह रहे थे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आप वहां पर रिकॉर्ड करते हो। लेकिन आपने कहा नहीं जी, इसकी हम जर्नल कुछ ट्रांजेक्शन की नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आप चले गए स्पेशल बुक्स के पास। तो अब बुक्स में भी आप फर्स्ट टाइम ही रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि आपने जर्नल में उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो इसलिए ये जो बुक्स हैं, जो स्पेशल बुक्स हैं, इसको भी आप बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का ही नाम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग हो रहा है आपके अकाउंटिंग के अंदर। अब ऐसे कौन कौन से बुक्स हैं, तो इसमें कहा गया कि जब हम ट्रांजैक्शन देखने बैठे कि भैया एक किसी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस किन किन चीजों के ऊपर हो सकती है, तो ये पता लगा कि बहुत सारी ना कैश में ट्रांजेक्शन होती है, छोटी मोटी लेन देन लगा ही रहता है पूरे दिन, तो कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। हम परचेज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और इसी परचेज को हम सेल भी करते हैं। जब आप परचेज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 1000 आइटम परचेज करते हो और 1000 बार ट्रांजेक्शन करते हो, तो उसमें से कुछ एक ट्रांजेक्शन आपको रिटर्न भी करने पड़ते होंगे। तो जहां परचेज ज्यादा होगा वहां पे परचेज रिटर्न भी बहुत ज्यादा होगा, और जहां पे सेल्स ज्यादा होंगे वहां पे सेल्स रिटर्न भी बहुत ज्यादा होगा। और उसके बाद जिनको आपने सेल किया है उसको अगर आपने उधार में सेल किया है, क्रेडिट पे सेल किया है, या फिर जो आपने परचेज किया है वो आपने क्रेडिट में परचेज किया है, तो उनका भी हिसाब आपको रखना पड़ता होगा। उसके लिए आपको बनाना पड़ता होगा बिल रिसीवेबल की बुक्स और बिल पेबल का बुक्स। तो कुल मिला के ऐसे 7 ट्रांजेक्शन आपको आइडेंटिफाई किए गए, जिसको कहा गया कि ये रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजेक्शन है। कैश में लेन देन बहुत ज्यादा करते हो आप, हर एक की एंट्री पास करने से अच्छा है कि रिपीटेटिव नेचर है इसको इसके बुक में डाल दो। परचेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, परचेज का बुक बना दो। सेल्स बहुत ज्यादा है, सेल्स का बुक बना दो। परचेज रिटर्न, अगर परचेज ज्यादा है तो ऑब्वियसली परचेज रिटर्न के भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो उसका एक अलग खाता बनाओ। सेल्स रिटर्न का भी एक अलग खाता बनाओ। इसके अलावा जो पार्टीज का लेन देन है उसके लिए बिल रिसीवेबल बुक अलग और बिल्स पेबल बुक अलग। ये 7 बुक्स आप अलग बना दो, तो ये पाया गया कि 80-90% ट्रांजेक्शन जो है वो इन्हीं में समा जाते हैं। इसके अलावा आपने एसेट्स खरीदा है, या फिर आपने कोई लाइबिलिटी की पेमेंट करी है, या फिर आपने कोई लोन वगैरह लिया, या फिर कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज करी है, तो वो सारी बहुत मिसलेनियस नेचर की हो जाती है, जो कि आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं करते हो अपने बिजनेस के अंदर। तो उनके लिए कहा गया कि उसको कहां डाल दो, उसको डाल दो जर्नल प्रॉपर के अंदर, मतलब उसकी आप जर्नल एंट्री ही पास किया करना। तो इस टाइप की जब 8 अलग अलग किताबें खोली जाए उसको क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो ये सब्सिडरी बुक्स बनाना भी हम सीखेंगे, इसके लिए हमारे पास सेपरेट चैप्टर है। बट मोटे मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए कि कब हम जर्नल को यूज करते हैं और कब हम सब्सिडरी बुक्स को यूज करते हैं, क्या कारण है सब्सिडरी बुक्स को यूज करने का, और कितने प्रकार के सब्सिडरी बुक्स आपके पाए जाते हैं। इन सब्सिडरी बुक्स को भी हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के ही नाम से जानते हैं। रीजन वही है, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट टाइम ही ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है सर, नाउ अब हमने समझा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को समझने गए तो हमें पता लगा कि दोनों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जर्नल भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और सब्सिडरी बुक्स भी आपके बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। सब्सिडरी बुक्स का ये चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर आपको सेपरेटली पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम जो फोकस होकर बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री की, जहां पे आप सारी ट्रांजेक्शन को एंटर कर सकते हो अपने जर्नल के अंदर। ठीक है, नाउ जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या है भैया, इसको भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। ये हमने पीछे देख लिया, क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके ट्रांजेक्शन को यहां पे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। और कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब वो ट्रांजेक्शन आपके होते हैं। जो ये प्रोसेस है जिसके अंदर आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं जर्नलाइजिंग का। मतलब कि कोई आपसे पूछे कि साहब ये बताओ जर्नलाइजिंग क्या होता है, तो जर्नलाइजिंग इज व्हाट, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल। जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो अपने जर्नल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। ठीक है, बहुत स्पेशल टर्म है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करते हो जर्नल के अंदर, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, इसको हम जर्नलाइजिंग का नाम देते हैं। नाउ
अब जाके हमारे प्रोफेसर भाई साहब इन्होंने कहा कि हम जनरल को ना एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम सारे एसेंशियल कंपोनेंट को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने उसको डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, द जनरल एज ओरिजिनली यूज्ड इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम अ मेमोरेंडम और वेस्ट बुक। मतलब कि इन्होंने कहा ये प्राइम एंट्री है, मतलब सबसे पहले जो एंट्री होती है वो इसके अंदर होती है जिसमें ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है, कॉपी किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, इन ऑर्डर ऑफ डेट, जो कि आपने पीछे देखा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि डेट वाइज इसको रिकॉर्ड किया जाता है, आगे पीछे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कहां से रिकॉर्ड करते हैं इसको, मेमोरेंडम और वेस्ट बुक। अब ये मेमोरेंडम वर्ड आपको सीखना जरूरी है क्योंकि आप जब अकाउंट्स पढ़ेंगे अभी 11th के अंदर भी और भविष्य के अंदर भी, तो आप देखेंगे मेमोरेंडम बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बहुत बनाने पड़ते हैं। मेमोरेंडम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं कच्चे खाते। कच्चे खाते का मतलब क्या हुआ कि कच्चे तौर पे जब आप किसी का हिसाब रखते हो, मतलब कि आपको अकाउंटिंग करनी है, आपको रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन उसमें भी आप क्या कहते हो, आपसे कहा जा रहा है कि जनरल एंट्री आपको कब पास करनी है, जब आपका ट्रांजेक्शन हो, जैसी ट्रांजेक्शन हो एज एन वेन बेसिस पे आपको उसको रिकॉर्ड करना है। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं। तो उसके इसमें क्या कहा जाता है कि आप ना एक पर्ची बनाओ, उस पर्ची के अंदर रफली सारी ट्रांजेक्शंस को लिख लिया करो और जब शाम हो ना तो शाम में बैठ के उन सभी की जनरल एंट्री पास कर लेना। जनरल एंट्री कहां से देख के पास करोगे, उस पर्ची को देख के पास करोगे। पर्ची से आपको मोटे तौर पे पता लग जाएगा कि आपने क्या ट्रांजेक्शंस किए, क्या लेन देन किया है, क्या खरीदा है, क्या बेचा है, क्या कुछ हुआ है पूरे दिन भर, जो भी पूरे दिन भर की घटनाएं हैं उसको आप जनरल के रूप में विद अप्लाइंग द रूल्स ऑफ जर्नल आप उसको रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन आप चाहो तो टेम्पररी बेसिस पे कुछ इस टाइप से वेस्ट बुक या फिर मेमोरेंडम बुक भी बना सकते हो और उससे जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। दैट इज अलाउड, दैट इज वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, द एंट्रीज एज दे आर कॉपीड आर क्लासिफाइड इंटू डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। जब उसको जनरल में हम एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है डेबिट और क्रेडिट में हम उसको क्लासिफाई करके चलते हैं, और इससे फायदा क्या होता है कि उसकी करेक्टनेस पता रहती है, किसी भी सूरत में कहीं पे भी अगर गलती हो तो वो पता लग जाता है। और जब हम इसी की मदद से, इसी जनरल के वजह से आप उसको आगे कहां पे ट्रांसफर कर पाते हो, लेजर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर जनरल ही नहीं होगा, अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा रिकॉर्डिंग का, तो आप सेकंड स्टेप पे क्या जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि लेजर पे जाने के लिए आपके पास जर्नल की होने की आवश्यकता है। ये हम आगे प्रैक्टिकली सीखेंगे, बट थ्योरेटिकली आपको पता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है आपका, जर्नलाइजिंग। उसके बाद आप क्या करते हो, लेजर पोस्टिंग, जहां पे आप जर्नल की मदद से ही उन ट्रांजेक्शन को कहां पे लेके जाते हो, लेजर्स में लेके जाते हो। इसलिए लेजर का होना किस पे डिपेंड करेगा, आपके जनरल के ऊपर। तो इसलिए ये ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट है किसका, जनरल का, ठीक है। तो इन्हीं बातों को अगर क्रक्स ग्रुप में देखा जाए तो आप क्या कह सकते हो कि भैया जनरल क्या प्रोवाइड करता है, डेट वाइज रिकॉर्ड किनका, उन सभी ट्रांजेक्शन का, और उसको किस बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हो, डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पे, थ्रू अप्लाइंग दी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो भी आपने रूल्स पीछे पढ़े हैं थ्योरेटिकल सेगमेंट में। नाउ जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हैं उसको जब रिकॉर्ड करते हैं हम जनरल के अंदर, तो उसके बाद वो कहां से रिकॉर्ड बेसिकली उसको किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है मेमोरेंडम या वेस्ट बुक से। और फर्दर वो किस चीज में आपको हेल्प करता है, आपको हेल्प करता है आपके लेजर प्रिपरेशन के अंदर, पोस्टिंग इनटू लेजर के अंदर। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल, जिसमें आपने कुछ चीजें पीछे सीखी हुई है, कुछ बेसिक्स आपको यहां पर रिव्यू करा दिया गया, रिवाइज करा दिया गया। लेटर हम बढ़ेंगे और जर्नल के और अच्छाइयों और बुराइयों को खत्म करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर।